अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं। लॉर्ड महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दत्तवल नालागढ़, मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू, इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। ट्रक की चपेट में आने से घायल गाय का उपचार करने पहुंचे गौपुत्र सेना। शिमला बिलासपुर नेशनल मार्ग पर गाय को ट्रक ने कुचला, इसकी सूचना संजीव ठाकुर ने गौपुत्र सेना राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी गौपुत्र कमल किशोर कपिल को दी। सूचना मिलते ही कमल किशोर कपिल मौके पर पहुंचे और घायल गाय का उपचार किया। गौपुत्र सेना हिमाचल प्रदेश सरकार से अपील करती है कि हिमाचल प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड गठित हो चुका है, जो कि अभी तक जमीनी स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। प्रदेश सरकार घायल बेजवानों की रक्षा हेतु एम्बुलेंस मुहैया करवाए ताकि कोई भी बेजवान सड़कों पर न तड़फ कर मर सके। गौपुत्र कमल किशोर कपिल ने कहा, गौपुत्र सेना हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्ष से जमीनी स्तर पर कार्यरत है, जबकि गौपुत्र सेना के पास सरकार की कोई मदद नहीं है, फिर भी गौपुत्र सेना अपने स्तर पर गौ रक्षा का कार्य करती है। सेना हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी कमल किशोर कपिल, अर्की क्षेत्र में पीछे से घायल गौवंशों की स्थिति देखी जा रही है, जिसके तहत अभी गौपुत्र सेना घायल गौ माता को लुधियाना ले जाकर गौशाला में शरण दिलवाई थी। तो गौ हिमाचल प्रदेश में जो गौ संवर्धन बोर्ड गठित हुआ है उसकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिख रही है, और ये जो घायल गौवंश यहाँ पे पड़ा है इसकी बहुत दयनीय स्थिति है। सरकार से गुजारिश है, प्रशासन से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द वो इस गौ माता को गौशाला में शरण दिलवाएँ, और जो गौवंश दुर्घटनाओं से ग्रसित है उनको जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया करवाएं। गौ रक्षा वाहन आज तक गौपुत्र सेना को नहीं मिला, काफ़ी बार मांगा गया, और आगे जो घोषणा हिमाचल में हो रखी है कि गौ रक्षा वाहन आएंगे वो भी अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिस कारण ये जो घायल गौवंश सड़कों पे तड़फ रहे हैं और ये ऊपर से कड़ाके की ठंड है। तो सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस गौ माता को जल्द से जल्द गौशाला में शरण दिलवाने का प्रयत्न करें और इसका जो उपचार है वो विधिवत करवाया जाए। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता। कुनिहार से रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट।